Hello everyone and welcome back to my channel. How are you people doing? I am doing good and I hope you people are doing good as well. तो आप सब ये सोच रहे होंगे कि मैं अभी कहाँ जा रही हूँ. अभी मैं क्लास के लिए जा रही हूँ अपने. इस वीडियो में आप मुझे बस कंप्लेन करते हुए सुनेंगे अबाउट माई हेल्थ एंड नथिंग एल्स. इसी रीजन से मेरी वीडियो थोड़ी लेट भी आई. तो मैं आपको सुबह का सिनेरियो अभी दिखाऊंगी. हमेशा की तरह आज भी मैं सुबह सुबह उठी और स्नोफॉल हो रहा था. देयर वाज नथिंग डिफरेंट. आई वोक अप एट 6. आई वाजंट लेट दो, लेकिन आई वाज लेजी एनफ टू हैव ब्रेकफास्ट. सो आई जस्ट हैड माय कॉफी, सैट नियर द विंडो टू एंजॉय द स्नोफॉल. देयर इज नो ट्रेस ऑफ सनलाइट सिंस पास्ट 2 मंथ्स, बट लाइफ हैज टू गो ऑन. And here we are back on the way to our university. ये हमारी सिटी की कल्चरल बिल्डिंग है. यहाँ पे जो भी कल्चरल प्रोग्राम होता है इसी बिल्डिंग पे होता है. तो बस यही वे है हमारे यूनिवर्सिटी जाने का. तो बस अब हम चलेंगे. आप भी रास्ते को एंजॉय कीजिए मेरे साथ. और स्नोफॉल अभी थोड़ी कम हो रही है और टेम्परेचर भी थोड़ा गिर चुका है, तो इसीलिए थोड़ा स्नो मेल्ट हो रहा है और सारे रोड पे पिच हो रहा है. और आपने जो अभी ये ट्रक देखा वो स्नो लेके जा रही है, जैसे यूजुअली दूसरे कंट्रीज में कूड़ा लेके जाते हैं. बस यही मेरी क्लास लग रही है. मेरी टीचर बहुत शातिर है, इसीलिए मैं वीडियो क्लिप नहीं ले सकती, क्योंकि जनता जनार्दन के सामने मुझे जलील होना बिल्कुल पसंद नहीं है. And this is me. I look exhausted because I feel exhausted. Yeah. Now meet you after class. Class ke aane ke turant baad main so gayi thi, and you will know why. Yes. So I was back from class. Lekin problem ye thi ki hamara gas ka jo pipeline tha, usme kuch kaam chal raha tha. To humne khana nahi banaya. Aur mere left eye mein nahi pata kuch problem hai. Ek mahine se. मेरे को खूब सारा मतलब इरिटेशन हो रहा है. मैं सोच रही हूँ कि मैं जाऊँगी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास, लेकिन मेरी क्लास चल रही है और सैटरडे संडे पॉलीक्लिनिक बंद होता है. तो फाइनली मैंने अपॉइंटमेंट फिक्स किया है, मेरा मंडे का है. मैं जाऊँगी और मतलब अगर आँख बंद करे या खोले इतना मतलब ऐसा फील होता है कि जैसे कुछ बम्प टाइप है अंदर, मतलब आई बॉल में नहीं बट अपर आई लिड में. आई होप कि मैं अंधी ना हूँ. तो मैंने कुछ खाया नहीं है सुबह से, क्योंकि हाँ क्योंकि किचन में काम चल रहा है. अभी काम ख़त्म हो गया है जब मैं सो के उठी हूँ, लेकिन मैं कुछ ऐसे ही खाऊंगी ताकि थोड़ा एनर्जी मिले डिनर बनाने का भी. या ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, टू माय सरप्राइज माय किचन मेट्स, कुक मेट्स, और वी कैन कॉल देम मेस मेट्स, they didn't bother me to cook today as if I wasn't feeling well. So here's the surprise. It's samosa chaat though. Yeah, it was great. Subah se jaake ab khaya hai. At least I'm feeling full now. I owe them. And I feel like it's better ki main naha loon. Uske baad zyada refreshing feel hoga. Yeah, I received this multani mitti from a Russian brand. I collaborated last month or it's been 2 months and it's really great. Multani mitti seriously does wonders. जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि now I have flipped, मतलब mostly जितना मेरे से हो सकता है organic products पे. हाँ तो it feels good. I'm ready. मैं नहा चुकी हूँ. अभी मेरा कुछ भी पढ़ने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी मेरे आँख से परेशान हो चुकी हूँ. तो बस मैं अपना असाइनमेंट पूरा करूंगी कल के क्लास के लिए. हाँ, कोरोना वायरस पहले भी था, लेकिन ऐसा कुछ पैंडेमिक केस नहीं था और ना ही कभी हमने इस चैप्टर पे ध्यान दिया कभी भी माइक्रोबायोलॉजी में भी. बट पता नहीं था कि आगे चल के यही सबका वॉट लगाएगा. ओके, सो वी आर रेडी. इस वक्त मैं बिल्कुल भी शांत थी, ठीक है, लेकिन अभी मैं शांत नहीं रह सकती हूँ क्योंकि तुम लोग बोर हो जाओगे, इसीलिए मैं तुमसे अभी बात करूँगी. या वैसे मैं अपने नोट्स को बहुत साफ सुथरा तो रखती नहीं हूँ, लेकिन जितना मेरे से हो पाता है मैं उतना करती हूँ. ओके,
एग्जाम से पहले सारी चीज मेरे कॉपी पे होती है और एग्जाम के बाद ही सारी चीज वो जो कॉपी होता है उसका एक एक पेज निकल जाता है और वो सारा चिपका रहता है मेरे रूम के वॉल पे। हाँ तो बस यही केस है। एंड मोर टू एड, मैं कभी टेबल चेयर पे मेरे से पढ़ा नहीं जाता है ज्यादा देर तक। थोड़ी देर के लिए इट इज फाइन, बट ज्यादा देर तक नहीं। और उसके बाद में बचपन से ही मुझे बेड पे पढ़ने का आदत है, दो हमारा पोस्चर उसमें थोड़ा खराब होने का ज्यादा चांस रहता है, बट स्टिल यू नो हैबिट इज हैबिट। इट फील्स दिस टाइम आई गॉट मोर कंफर्टेबल विद कैमरा। सो या टुमारो आई हैव टू प्रेजेंट द ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना वायरस। मतलब अभी तक साइंटिस्ट फार्मासिस्ट इतने सारे डॉक्टर्स उनको नहीं पता चल पाया, यार मुझे कैसे पता चलेगा। माय टीचर इज रियली इनसेन। और बाकी सारे टॉपिक्स में से मुझे मिला ट्रीटमेंट, लाइक इट कुड बी एटियोलॉजी, एपिडेमोलॉजी, पैथोजेनेसिस और मे बी सम अदर थिंग, बट ट्रीटमेंट आई एम जस्ट गोना से टू वैक्सीन, स्पुतनिक एंड द वन इंडिया मेड। या सीरियसली व्हाट कैन आई डू। और मतलब मेरे पास जो अभी ये लेक्चर पड़ा है वो काफी टाइम पुराना है, 5-6 महीने का, जब हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन यूज करते थे सारे डॉक्टर्स। और मतलब मुझे ये नहीं समझ आ रहा, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो दे देंगे पेशेंट को मतलब सिम्टम्स के हिसाब से, बट ऐसे तो क्या यार, देखते हैं क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया मेरे इस आंख में इतना दर्द हो रहा है ना, तो स्क्रीन देखने से भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मतलब यही एक रीज़न था कि मेरा वीडियो इस बार लेट आया है, एंड शायद उतना ज़्यादा अच्छा भी ना हो, आपको ना लगे, बट जो भी हो लाइक कर देना, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, एंड प्लीज़ बी कंसिडरेट प्लीज़। अभी तो मैं नहा के आई हूँ तो आई एम फीलिंग बिट बेटर, वरना मेरे यहाँ पे वेसल्स दिख रहे थे जैसे कि रप्चर हो गया हो। अभी इट इज फाइन। या जस्ट कि मैं ज्यादा देर पढ़ पाऊँ एंड आई फील बेटर, आई वुड लाइक टू हैव सम स्कूप ऑफ आइसक्रीम। 3-4 महीने पहले, मतलब नहीं 6 महीने पहले, मैंने एक आइसक्रीम टेस्ट किया था, वो काफ़ी अच्छा था, तो तब से मैं कोई और आइसक्रीम प्रेफर नहीं करती, इट हैज़ बिकम माय फेवरेट। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं पढ़ रही थी तो फिर अचानक से मेरी नज़र मेरी एक्वेरियम पे गई, तो आई सॉ माय फिश वाज़न्ट मूविंग एट ऑल। तो फिर थोड़ा टाइम पहले पता चला शी इज़ नो मोर। दो शी मैनेज्ड लाइक टू लिव 2 साल से ज़्यादा, या क्योंकि 1 year and 5-6 months आई थिंक हो गए हैं कि मेरी फ्रेंड ने मुझे वो दिया था और उसको भी किसी ने दिया था, तो हाँ 2 साल से ज़्यादा हो गए, बट स्टिल यू नो इट फील्स मोर लाइक अ कनेक्शन। हाँ कल तक वो अच्छी थी, शी वॉज मूविंग एंड या, बट शायद कुछ उसका लाइफ स्पैन पूरा हो गया था। व्हेन वी ब्रॉट हर होम शी वाज लाइक क्वाइट स्मॉल, जब इतनी सी थी। हाँ एंड हाँ फिर उसका साइज अभी इतना बढ़ गया था, आई फील सैड बट या मैंने उसको बस ऐसे नहीं फेंका, मैंने उसको रैप किया, फिर हाँ फिर बर्फ के अंदर डाल दिया। मेरा वीडियो बनाने का मन भी नहीं कर रहा था बिल्कुल भी, क्योंकि जो मेरी आँख है वो मेरे को काफ़ी इरिटेट कर रही है, मतलब मेरा पढ़ाई करने का भी मन नहीं किया, मैंने थोड़ा थोड़ा करके स्किप कर करके वीडियो देखा, जो मेरे को चाहिए था वो मिला भी नहीं वैसे। मतलब ऐसा है कि मैं मूवी भी नहीं देख सकती हूँ, ठीक है, कि मेरा टाइम पास हो जाए। मेरे सर में दर्द है, मेरे आँख में दर्द है, मतलब मैं कुछ देख, आई जस्ट वॉन्ट टू क्लोज माई आई। तो मंडे से पहले इसके ठीक होने का कोई उपाय भी नहीं है, क्योंकि मंडे को मेरा अपॉइंटमेंट है तो तब जाएंगे। हाँ बट बट आई मेक श्योर कि मंडे का वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो, क्योंकि एनी वेज आई एम गोइंग टू रशियन हॉस्पिटल, मुझे आती नहीं है
रशियन उतनी अच्छी, मतलब मेडिकल टर्म्स एंड ऑल, तो आपको शायद देखने में मज़ा आएगा। एक बार जब मैं थायराइड प्रोफाइल टेस्ट करवाने गई थी तो उन्होंने मेरे गले का एक्सरे कर दिया था। इस वजह से मैंने अपने टीचर से बात करी, एक मतलब मेरे टीचर हैं, उनकी रशियन काफ़ी फ्लुएंट है, ताकि वो मुझे मदद कर सके, मेरे साथ जा सके। हाँ, तो मंडे को मैं उनके साथ जा रही हूँ, तो फिर मैं वीडियो बनाऊँगी फिर जब वो आएगा, तो शायद वो इंटरेस्टिंग हो। इन केस मैं उनको इसीलिए ले जा रही हूँ कि इस बार मैं आई टेस्ट करवाने जा रही हूँ, वो मेरी आँखें ना निकाल लें। या आई मीन आई एम किडिंग, ऐसा तो नहीं करेंगे, बट स्टिल या सो दिस इज इट। अभी मैं कुछ टाइम पास करके सो ही जाऊँगी, मेरी क्लास भी आई कांट इवन मिस द क्लास, दैट इज़ द सैडेस्ट पार्ट। या अगर आप लोगों को मेरी हालत पैथेटिक लग रही है इस वक्त, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, और आप लोगों में से बहुत लोगों का ये रहता है कि जब मैं लाइव आती हूँ तो आप लोग मिस कर जाते हैं, तो इसके लिए आप नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। हाँ, तो आपको सारा अपडेट मिल जाएगा। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि वहाँ पर मैं एक दिन पहले ही अपडेट कर देती हूँ कि मैं जब लाइव आने वाली रहती हूँ। हाँ, तो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आई गिव द लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। या थैंक यू फॉर वॉचिंग।